आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जल में अघुलनशील है CaCO3, BaCO3, SrCO3 या सभी। तो अघुलनशीलता को हम लोग कैसे पहचाने, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जल में घुलने के लिए बारे में। अगर बात करते हैं तो हम लोग को जलयोजन ऊर्जा के बारे में जानना चाहिए। जलयोजन ऊर्जा होता क्या है? जलयोजन ऊर्जा उसको बोलते हैं जब एक मोल ठोस क्रिस्टल जलयोजित किया जाता है, एक मोल ठोस क्रिस्टल को जब जलयोजित किया जाता है तो उससे जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसी को जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर जलयोजन ऊर्जा जिसका अधिक होगा वो अधिक घुलनशील होगा या घुलनशील होगा, जिसका जलयोजन ऊर्जा कम होता है उसका घुलनशीलता घटता है। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जलयोजन ऊर्जा घटता है। जलयोजन ऊर्जा किसको बोलते हैं? वैसा ऊर्जा जो कि एक मोल ठोस क्रिस्टल को जलयोजित कराने पर निकलता है। तो जलयोजन ऊर्जा जब भी घटेगा तो वहां पर जालक ऊर्जा बढ़ जाता है। जालक ऊर्जा किसको बोलते हैं? जब एक मोल गैसीय स्टेट को लिक्विड में डाला जाता है तो उससे जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से जलयोजन ऊर्जा घटने लगता है। तो इन कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम का, बेरियम का, स्ट्रॉन्ट्रियम का, ये सभी का जो होता है ना आकार बढ़ जाता है जिससे इसका जलयोजन ऊर्जा घट जाती है और ये अघुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी के सभी कार्बोनेट अघुलनशील है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।